गांव में हम बकरी का वैक्सीन करते हैं, मुर्गी का भी वैक्सीन करते हैं। और उसमें हेल्थ और स्वास्थ्य, कीड़ा ये सब का भी उसमें, और पिपराजिन जो दवा है उसको भी देते हैं। जैसलपीएस एमकेएसपी के माध्यम से एलडीसी में मैं यहाँ कार्य कर रही हूँ। हमारे एलडीसी में यहाँ पर चूजा आते हैं एक दिन का, जो कि हम लोग देख रेख करते हैं, उसका रख रखाव कैसा होता है, सही से वैक्सीन करना, टीकाकरण करना, और गांव में इसका फिर हम लोग वितरण करवाते हैं, बिक्री करवाते हैं, जो कि पशु सखी दीदी लोग के माध्यम से होती हैं। दीदी लोग पहले डिमांड लाती है गांव से, पशु सखी दीदी लोग, कि कौन दीदी इच्छुक है कि बत्तख पालन करना चाहती है या मुर्गी पालन करना चाहती है, उस माध्यम से दीदी लोग यहां से लेके जाती है और पालन करती है। बत्तख हम लोग 15 दिन के बाद हम लोग देते हैं दीदी लोग को, जो कि वाजिब दाम में दिया जाता है बाहर का रेट से यहाँ से। और मुर्गी को हम लोग 22 या 23 दिन में देते हैं, 21 दिन का हम लोग वैक्सीन करके ही देते हैं, जो कि 250 ग्राम का हो जाती है मुर्गी, तभी देते हैं हम लोग। अभी आईएलडीसी से एक बार हमें क्वायलर का जो मुर्गा होता है वो 2000 पीस मिला हुआ था, जिससे हमें कम से कम 30-35 हज़ार रुपया उससे फायदा हुआ। और अभी फिर आईएलडीसी से हमें सोनाली ब्रीड मिला हुआ है 2000 पीस, ये अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और अभी तक हमने इसको 7-8 हज़ार रुपये तक का बिक्री कर चुके हैं। इसको और आगे जारी रखने के लिए हम अपना एक मुर्गी सेट बनवा रहे हैं, इससे जो मुनाफा हो रहा है उसी से बनवा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका काम आगे भी जारी रहे और हमें अधिक से अधिक फायदा हो।